एक न्यू यूट्यूबर है तो आपको ये दो सेटिंग जरूर से जरूर आपके चैनल पे करने चाहिए, जिससे कि आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आपके आएंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मेरी इस वीडियो पे 4480 व्यूस आए हैं। तो ये मैंने कैसे लाए फ्रेंड्स, कि इसे मैंने कुछ भी नहीं किया, इसे सही तरीके से मैंने अपने ऑडियंस को भेजा और प्रमोट किया। तो वो आपको कैसे बताना, तो आपको इस वीडियो में आपको दो कमाल की ऐसी ट्रिक बताने वाले, जिससे कि आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्यू आने वाले हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, दो ट्रिक है हमारे पास में, नंबर वन और नंबर टू। तो उस नंबर वन के बारे में थोड़ी देर में आपको बताना वाला, तो वो जान लेते हैं नंबर टू के बारे में। तो नंबर टू जो है वो हमारा कार्ड वाला सेक्शन, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सिंपल से इसे गूगल क्रोम में या अपने पीसी में ओपन कर सकते हैं, सेटिंग को कहीं पे भी कर सकते हैं। आपको ये दो सेक्शन जरूर से कहीं पे भी मिल जाएंगे आपके क्रोम ब्राउज़र या पीसी में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे चल जाना है कार्ड वाले सेक्शन में। जिनको पता नहीं कार्ड क्या होता है, जो कि वो वीडियो के बीच बीच में आई बटन जिसे हम कहते हैं, उसे हम कार्ड भी बोलते हैं। तो इसे आपको लगाना कहाँ है, तो आप इसे वीडियो के स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, एंडिंग में भी लगा सकते हैं। अगर आप अभी ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इसे वीडियो के स्टार्टिंग में लगाएंगे तो ज़्यादातर लोग हमारी इस वीडियो को छोड़कर वो कार्ड वाली वीडियो को देखने चले जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स। और अगर आप इसे आखिरी में लगाओगे तो शायद ही कोई होगा जो आपकी वीडियो आखिर तक देखेगा, अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो इसके भी बहुत कम चांसेस है कि आपके वीडियो को कोई आखिर तक देखे। तो आपको इसको लगाना कहाँ है फ्रेंड्स, तो इसका राइट तरीका मैं बताता हूँ। तो आपको इसे इस तरीके से लगाना है, जहाँ पे आप बोलते हो कि मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाई, इस पर आपको क्लिक करके देख सकते हो, वहाँ पे भी आप लगा सकते हो, या इसे रैंडमली कहीं पे भी लगा देना है वीडियो के बीच में, मतलब स्टार्टिंग को छोड़ के या कहीं पर भी आपको रैंडमली लगा देना है। और जितने चाहे उतने आप लगा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी जो वीडियो है वो उसकी प्लेलिस्ट हो, यहाँ पे प्लेलिस्ट होगी तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन वीडियोस को देखेंगे। तो आपको याद रखें प्लेलिस्ट होनी चाहिए, तो इसको आप कहीं पे भी लगा देना है। और अगर आपका व्यूअर इस वीडियो को छोड़कर वो कार्ड वाली वीडियो को देखने जाता है, तो इसमें फ़ायदा आपका ही है, मतलब इसका नुकसान तो आपको कुछ भी नहीं है। मतलब व्यूअर छोड़ के जा रहा है तो आखिर दूसरे आपकी इस वीडियो पर जा रहा है ना, तो वहाँ पर भी आपका फ़ायदा है, मतलब वहाँ पर भी आपके व्यू बढ़ने ही वाले हैं, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेकंड ट्रिक के बारे में। तो सेकंड ट्रिक जो है फ्रेंड्स वो है एंड स्क्रीन। तो ये एंड स्क्रीन को भी लगाने का एक सही तरीका होता है, जो मैं आपको बता, आपको इसे आखिरी के 5 सेकंड पे लगाना है, जैसे कि आपकी वीडियो ख़त्म हो रही है और आखिरी के 5 सेकंड है, वहाँ पे आपको इसे लगाना है। और इसको लगाने के बाद में आपकी जो वीडियो को अपलोड करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देख सकते प्ले लिस्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको जो प्ले लिस्ट बना लेनी है आपको अपने वीडियोज़ की, और वहाँ पे आपको क्लिक करके मतलब प्लेलिस्ट अपलोड करनी है, एक सिंगल वीडियो अपलोड नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी वीडियोस दिखेगी और उसके बाद आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, मतलब लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके की वीडियो इस चैनल पे है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को पसंद करेंगे और उनको देखेंगे। तो इससे भी आपके व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। तो ये दो सेटिंग जरूर से आपको कर लेना अगर आप कोई न्यू यूट्यूबर हो तो। और अगर इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और इस तरह से आप अपने वीडियो को मतलब रैंक कर सकते हैं, वायरल कर सकते हैं। और उसी के साथ आपको बता दूं कि आपके वीडियो को, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह के से कुछ टैग्स वगैरह लगा लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया है, इस तरह से टैग लगा लेना, जिससे कि आपके सर्च इंजन में भी आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी रैंक करेगी। और जाने से पहले बता देना चाहता हूँ कि जो आगे पे जो वीडियो आ रही है उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, उस पर भी मैंने इसी तरह के कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो उसे जाने से पहले उस वीडियो को भी ज़रूर क्लिक कर लेना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।